राज्यों के अलग अलग घोषणाएं होती, जैसे किसानों को जो हम लोग सुविधा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वो तो हिंदुस्तान किसी राज्य में नहीं मिल रहा है जो हमारे यहाँ है। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग परिस्थितियाँ होती, उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। हाँ, वो तो 15 लाख तो सबके खाते में पहुंच गए, सबके अच्छे दिन भी आ गए, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां भी मिल गई हर साल, है ना। और रमन सिंह 2100 दिए थे वो मिल चुका है, सभी आदिवासियों को जर्सी गाय भी मिल चुकी है, दूध की नदियां बह रही है आदिवासियों के घरों में। तो और घोषणा करें, सवाल इस बात का है, गारंटी या घोषणा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस घोषणा या गारंटी का भरोसा किस पर है? जो हम लोगों ने 5 साल में काम किया है, तो भरोसा हम पे है, उन पर नहीं। हाँ, वो उसके बाद सीबीआई जांच करवाने के हाई कोर्ट गए हैं, है ना, उसके बाद इंटरपोल की भी जांच कर लेना चाहिए। मैं तो इनसे पूछता हूँ, क्यों चिट फंड के घोटाले हुए, उसकी ईडी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? पनामा में जो अभिषेक सिंह का नाम आया है, उसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? नान घोटाला में सीएम सर और सीएम मैडम ईडी कब जांच करेगी? और ये हेमंता विश्व शर्मा के जो जांच है, वो क्लोज हो गया है क्या, क्यों नहीं हो रहा है? और ये बता दे कि महाराष्ट्र में पवार जी के, अजीत पवार जी के, उसको क्लोजर रिपोर्ट क्यों भेज दिए? वो तो उस समय सही था, फिर गलत कैसे हो गया, ये बताएं। और यहाँ जब बात कर रहे हैं, तो भैया महादेव ऐप के हम तो लुकआउट सर्कुलर जारी किए हैं, पकड़ क्यों नहीं रही है केंद्र सरकार? और क्या साठ गांठ है उनके साथ जो महादेव ऐप को बंद नहीं कर रहे हैं? और लिकर की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्री मालिक को क्यों छोड़ के रखे हैं? क्या लेन देन हुआ है, क्या समझौता हुआ है, ये तो बताएं। थैंक यू सर।